स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई किए थे और आपके मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया है तो आप कैसे आप अपने फॉर्म को फाइनलाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आप अपने फॉर्म को फाइनलाइज नहीं करते हैं तब तक आपका 50,000 का स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आएगा, यानी कि आप इस स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड आने के बाद आपको कैसे फाइनलाइज करना है इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। सो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है यहाँ पर अपने फॉर्म को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है कि अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में चले जाना और मेडा सब क्लिक करके सर्च कर लेना। वैसे दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेडा सब लिखने के बाद यहाँ पर आपको जो सबसे पहला वेबसाइट मिलेगा क्लिक करके आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आपको यहाँ पर क्लिक करके इस पेज को ओपन करना है और जैसे ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन इस वाले पेज को आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत से ऐसे सेक्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपको स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद लॉगिन फॉर स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन फॉर स्टूडेंट्स पर क्लिक करते क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूजर आईडी डालना है। तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस नंबर पर एक मैसेज गया होगा यूजर आईडी और पासवर्ड। तो आपका जो भी यूजर आईडी है तो यूजर आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है। तो दोस्तों सबका पासवर्ड 1234 ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कैप्चा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद चलिए हम आपको फिर आगे कंटिन्यू बताते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिटेल्स फिल कर लिए। फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का स्टेटस ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। डिटेल्स में आपको स्टूडेंट्स नेम और फादर्स नेम आपको यहाँ पर और इसका मोबाइल नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स मिलेगा। उसके बाद आपको अकाउंट स्टेटस यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद रेसिडेंस डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरीफिकेशन स्टेटस में आपका नेम वेरीफाइड है, उसके बाद आधार वेरीफाइड है, उसके बाद बैंक वेरीफाइड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिडेंस वेरीफाइड भी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल स्टेटस में आपको यहाँ पर पेंडिंग टू फाइनलाइज बताएगा। तब आपको यहाँ पर नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि आप जो अप्लाई करते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करते हैं। अब आपके नंबर पर जो भी ओटीपी गया उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना। तो चलिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइनलाइज का। अब आपको फाइनलाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनलाइज सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा फाइनल स्टेटस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर कुछ दिन तक वेट कर लेना है, जैसे कि 1 या 2 वीक आपको वेट करना है और 1 या 2 वीक वेट करने के बाद दोस्तों आपके अकाउंट में जो 50,000 का स्कॉलरशिप है वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आप फाइनलाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।